ये हैं जी छोटी बॉटल्स, क्योंकि बड़ी बॉटल लेके आना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होता है, तो इनको भरते हैं। और बिल्कुल क्लॉक टावर के नीचे ये जो बसेस हैं, ये आपको डिफरेंट जगहों पर लेके जाएंगी। अब क्लॉक टावर बिल्कुल मेरे बैक साइड पे रह गया है, आप बड़े क्लियरली क्लॉक टावर को यहाँ से देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुरू शुरू में आके मक्के की शाहराहों पर और मक्के की गलियों में घूमना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट थी। मुझे आज 5 दिन हो गए, मैंने सही से एनालाइज़ किया, हर गेट नंबर को नोट किया, आते जाते सारी जगहों को देखा, अब जाके मुझे समझ आ गई कि मेरा होटल किधर है और मैंने किस शाहराह से जाना है। तो आज मैं आपको यहाँ के बाहर के कुछ बाज़ार भी दिखाऊँगा, इसके साथ साथ सबसे पहले मैं जमजम भरूँगा क्योंकि अम्मीओटी होटल में है आज, तो आज मैंने उनको रेस्ट का बोला, मैं जुमा पढ़ के फ्री होके अभी वापस होटल की तरफ जा रहा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि अम्मीओटी क्या चीज़ है। अम्मीओटी प्यार से शिनाम है माँ जान को, तो माँ जान होटल में वेट कर रही है, मैं उनके लिए जमजम लेके जाता हूँ। उसके बाद मैं आपको शाहराह इब्राहिम खलील आज विज़िट करवाता हूँ। ये रहे जमजम, और यहाँ पर 2 टाइप्स का जमजम आपको मिलेगा। नॉट कोल्ड, यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल पानी होगा, और जिस पर नॉट कोल्ड नहीं लिखा इस पर ठंडा पानी आपको मिलेगा, तो जो चाहे जैसा पानी पी। तो चलिए अब निकलते बाहर, उसके बाद आपको बाहर का थोड़ा व्यू दिखाते हैं, विज़िट करवाते हैं, फिर उसके बाद शाहराह इब्राहिम खलील को लेके अपने होटल की तरफ चले जाते हैं। ये जी सफाई हो रही है, और सफाई का यहाँ इतना खूबसूरत निज़ाम है कि हर जगह डेली वक्फन फौक्फन यहाँ पर सफाई होती है। थोड़े थोड़े टाइम बाद जगह को ये देखते हैं कि कौन सी जगह की सफाई की ज़रूरत है, फिर उसको इस तरह से पहले कवर अप करते हैं, रूट्स बंद कर देते हैं पैदल, और फिर उसकी इस तरह से सफाई होती है। और अब यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे और फिर शाहराह इब्राहिम खलील रोड की तरफ जाएंगे। और हमने एग्ज़िट किया किंग फहद गेट नंबर 79 से, और ये आए जी हम बिल्कुल बाहर, और अब हम चप्पल पहन के एग्ज़िट लेते ही सामने ही दार तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है, और फिर उसके साथ शाहराह इब्राहिम खलील की तरफ हम जाएंगे। ये रहा क्लॉक टावर, इसकी मुझे अब तक समझ नहीं आई और शायद जाने तक भी समझ ना आए। जिधर भी आप जाएंगे वहाँ ऐसे लगता है कि क्लॉक मेरे सामने ही है, लेकिन आप किसी और जानिब होते हैं क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन ही उस वे से हुई है। ये सारे गेट्स हैं जहाँ से एग्ज़िट्स लिए जाते हैं, और मैं अब इस गेट से निकला और यूँ मैं अब शाहराह इब्राहिम खलील ढूंढ के तो वहाँ से अपने होटल की तरफ जाऊँगा। तो लेट्स सी। एक बात हमेशा से जहन नशीन करे, अल्लाह आपको तौफीक दे जब आपका यहाँ आना हो, तो जब भी आप रास्ता भूल जाएं या अपने होटल की डायरेक्शन भूल जाएं, एक तो आपने शाहराह को याद रखना, दूसरा अपना बस नंबर नोट करना है, उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्योंकि यहाँ डिफरेंट गेट्स हैं और गेट सारे सेम हैं, बंदे को पता नहीं चलता कि मैं किस गेट पर हूँ, तो आपने वाशरूम्स का नंबर नोट करना, क्योंकि यहाँ वाशरूम सारे बाहर हैं। बड़ी खूबसूरत बात यह कि अंदर कोई वाशरूम आपको नज़र नहीं आएगा, सारे वाशरूम्स बाहर हैं, तो उनके डिफरेंट नंबर्स हैं 1 to ऑनवर्ड, अभी कितने हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ से मैं मुड़ता हूँ वो 2 और 3 नंबर के बीच से मैं एग्ज़िट लेता हूँ। तो ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है इन केस अगर आपको अपना रास्ता भूल जाता है। तो क्लॉक टावर का व्यू यहाँ से बड़ा खूबसूरत है। तो चलिए ढूंढते हैं शाहराह इब्राहिम अल खलील। अब मैं क्लॉक टावर के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ इस वक्त, इसलिए आपको क्लॉक नज़र नहीं आएगा। तो ये रहा शाहराह इब्राहिम खलील, इसको स्ट्रेट लूँगा और मैं सीधे अपने होटल पहुँचूँगा। शाहराह इब्राहिम खलील से जब आप इंटर होंगे तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की चीज़ें स्पेसिफ़िकली सिम वाले आपको ज़रूर मिलेंगे। सिम से याद आया कि मैं आने से पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, यूट्यूब पर वीडियोस देखा कि सिम कैसी लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए, तो मेरा एक्सपीरियंस इस बारे में थोड़ा बुरा रहा
एक यूट्यूबर खातून थी, अच्छी खासी उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, उन्होंने ऐसी सिम सबको रिकमेंड की जो महंगी भी थी और जिसमें डेटा भी कम था और शायद गालिबन जैन की सिम थी। और इसके बरक्स में थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस किया मैंने आके, और एसटीसी शायद एसटीसी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एसटीसी सिम मुझे मिली और उसमें वो पिछली सिम की निस्बत सस्ती भी थी और उसमें एमबीज़ भी ज़्यादा थे। तो ये बात मैंने क्यों की, रीज़न ये है कि जब भी आप आएँ, चाहे यूट्यूब से देखें, गूगल से देखें, इंफॉर्मेशन जितनी भी लेनी है ले लें, लेकिन यहाँ आने के बाद ख़ुद भी मार्केट एनालिसिस करें, खुद भी करें, वो ख्वा खाने पीने की चीज़ें हों, वो चाहे गिफ्ट्स हों या फिर सिम्स हों, मोबाइल फ़ोन्स हों, जो भी हों, खुद आके मार्केट रिसर्च करने के बाद फिर डिसाइड करें कि मैंने कौन सी चीज़ कब कैसे लेनी है। ऐसे ही अगर आप यूट्यूबर्स को देखते रहेंगे तो उन्होंने भी पूरी मार्केट एनालिसिस नहीं किया होता, नो डाउट वो अपना एक्सपीरियंस बताते होते हैं। बिल्कुल बाहर आ गया हूँ, इसको कहते हैं फर्स्ट रिंग रोड, और बिल्कुल क्लॉक टावर के नीचे फर्स्ट रिंग रोड से मैं क्रॉस करके आ गया शहर इब्राहिम खलील से अपने होटल की तरफ जाऊंगा। मेरा होटल थोड़ा डिस्टेंस पे है, शटल सर्विस भी है, लेकिन आज मैंने मार्केट देखनी है, मार्केट विजिट करना है, तो मैं आज यहाँ से अपने होटल तक पैदल जाऊंगा। तो लेट्स कम विद मी। और ये वो रोड्स हैं जहाँ पर 24/7 आपको ऐसे ही रश मिलेगा। अगर आप सोचें कि यहाँ पर कभी रश कम भी होगा तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर आप भले रात के 12 बजे आएँ, 1 बजे आएँ, 2 बजे आएँ, रश आपको ऐसा का ऐसा ही मिलेगा, माशाल्लाह। और ये जी बाहर आते ही ये शॉप्स हैं, जायनमाज, कपड़े, हर चीज़ आपको मिलेगी, खाने पीने की, खजूरें हों, चप्पल हों, जूते हों, और इसके साथ साथ आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, इंडियन, बंगाली, जी पाकिस्तानी बोलते ही मेरे सामने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आ गया। ये देखें, आप किसी भी किस्म का फूड चाहें यहाँ से खा सकते हैं। और ये अभी मैं फ़ोन को थोड़ी देर के लिए ऑफ करके अपना व्लॉग स्टॉप करके आगे चलने लगा था, तो एक गाड़ी से एक साहब ने ये मुझे पकड़ा दिया। बहुत सारे लोग पास से गुज़र रहे थे, जितने भी लोग गुज़र रहे थे उनको दे रहे थे पानी की बोतल प्लस ये पैक खजूरें। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मकामी हों या बाहर के लोग हों, वो सवाब की नियत से इस तरह की चीज़ें जो पिलग्रिम्स हैं उनको दिया करते हैं, तो ये ज़रूर उठाने चाहिए। तब थोड़ा झिझक या शाय फील नहीं करना चाहिए कि यार मैं कैसे ले लूँ, आपको ज़रूर लेना चाहिए। एक बंदा जो है अच्छी नियत से, सवाब की नियत से दे रहा है, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो लेट्स गो, आगे कंटिन्यू रखते हैं। ये मैं फर्स्ट रिंग रोड से निकलकर इट्स सेकंड रिंग रोड, और सेकंड रिंग रोड से मैं क्रॉस कर गया हूँ, और अब जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है बिल्कुल फ्रंट पर जो टाल सी बिल्डिंग है, ये समझ ले कि मेरा होटल है। और ये पीछे सेकंड रिंग रोड और वो क्लॉक टावर, और एंड इट्स आलमोस्ट 1400 मीटर। हमारा चूँकि शटल सर्विस है, हम नमाज के लिए जब भी आना हो अम्मा जान के साथ तो शटल सर्विस ही लेते हैं, लेकिन मोस्टली जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं चल कर पैदल ही आ जाऊँ। और पैदल हार्डली आपको 10 से 12 मिनट लगते हैं, और 10 से 12 मिनट में आप अपने होटल में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर एक और ख़ूबसूरत चीज़, अगर अभी वो अगर मेरे साथ हो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अगर आप एहराम बांधे हों या आप वाइट कपड़ों में हों, आप रोड क्रॉस कर रहे हों, और अगर आप सिग्नल से हट के कहीं से क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो मेरे साथ ये तकरीबन 3 से 4 दफ़ा हुआ। गाड़ी बिल्कुल फासले पर रुक जाती है। मोस्टली मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैंने गाड़ी को इशारा किया कि आप आगे चले जाएं, लेकिन उन्होंने गाड़ी रोके रखा और मुझे कहा कि आप रोड क्रॉस करें।
तो फिर मुझे मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी और इस तरह से मैं रोड क्रॉस कर लिया। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जेस्चर है हॉस्पिटैलिटी का। यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं, जितने भी लोग इस सिटी को देखने आते हैं, हुआ वो रिलीजियस एक्टिविटी के लिए आएँ या फिर टूरिज्म के हवाले से आएँ, उन सब के साथ इनका ये रवैया होता है। तो इट्स सम काइंड ऑफ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि आप कितने खूबसूरत अंदाज से मेहमान नवाजी कर रहे हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो रहा है, डेफिनेटली होटल्स ही बन रहे होंगे क्योंकि इस रूट पर होटल्स ही होटल्स आपको नज़र आएंगे। तो लेट्स गो, हमारा होटल भी आने ही लगा है। और ये जो मेरे सामने बस नज़र आ रही है, इसे कहते हैं मक्का बस। और इनिशियली ये बिल्कुल फ्री थी मेरे ख़्याल से 2 से 3 मंथ तक, लेकिन अब इसके मेरे ख़्याल से 2 से 3 रियाल इसका किराया है। और इससे आप मुख्तलिफ़ ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, मस्जिद आयशा की तरफ जा सकते हैं, और फिर मक्का की इस तरह से बहुत सारी डिस्टिनेशंस हैं जिनको आप इस बस के थ्रू जाकर देख सकते हैं। और इसके डिफरेंट रूट्स हैं और डिफरेंट बस स्टॉप्स हैं। यहाँ पर हमारे होटल के करीब ये बस स्टॉप है। ये जो बसेस हैं ये आपको डिफरेंट जगहों पर लेके जाएंगी मक्का के अंदर ही, और आप सुकून से मक्का देख सकते हैं मक्का बस में बैठकर। वो हजरात जो टैक्सी लेते हैं हमेशा से, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेटिव हो सकता है शाहरा इब्राहिम खलील पर। और इसके अलावा भी जितने भी रूट्स हैं वहाँ पर मक्का बस के डिफरेंट स्टॉप्स होते हैं, आप जाकर पूछ सकते हैं, ड्राइवर से पूछ सकते हैं, फैसिलिटेशन सेंटर से पूछ सकते हैं, आपने जहाँ भी जाना हो तो आप बस नंबर का पता कर सकते हैं, लोकेशन का पूछ सकते हैं कि ये इसका रूट कौन सा है, कहाँ लेके जाएगी, फिर इस तरह से आप मक्का बस में ट्रेवल कर सकते हैं। और ये जो फलक बोस इमारतें हैं, इनके अगर आप बैक साइड पर देखें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, तो आपको सिर्फ सूखे पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे। लेकिन क्या कहने इस कौम के कि डेवलपमेंट को उस हद तक ले गए कि आप पूरे सिटी को देखते हुए हैरान रह जाते हैं। और अब अगर यहाँ से मैं आपको क्लॉक टावर दिखाऊं तो इसका बड़ा खूबसूरत व्यू आएगा और आप बड़े क्लियरली क्लॉक टावर को यहाँ से देख सकते हैं। और ये असर की अजान हो गई, मेन रोड से इसको तकवा स्ट्रीट बोलते हैं वहाँ की तरफ मुड़ा। और यहाँ पर एक छोटी सी बात मुझे याद आई, उस दिन मैं देख रहा था जो पार्क है ना, वो भी आप देख सकते हैं कि एक सहरा की मानद है। तो हाउ लकी वी आर कि हमारे पास इतनी ग्रीनरी है, जगह जगह इतने सारे दरख्त हैं और इतनी हरियाली है। लेकिन अगर हम इनकी तरफ देखें तो ये तो आप समझ लें कि इतना पैसा खर्च करके, इतने पैसे लगा के आप कह सकते हैं कि ये जो थोड़ी बहुत ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है ये तब जाके मुमकिन हुआ है। और अगर हम अपने कंट्री को देखें तो हमारी ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे खूबसूरत पिकनिक पॉइंट्स रुल रहे होते हैं जहाँ पर ना कोई पिकनिक स्पॉट होता है, ना कोई ऐसा कोई प्रॉपर इंतज़ाम होता है कि जिससे हम अपने टूरिज़्म को फ्लोरिश करें। नो डाउट कंपैरेटिवली पहले की नस्बत बहुत अच्छा हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन इसके बरक्स अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान के कुछ रीजन्स को देख लूँ तो वहाँ पर बहुत ही आला किस्म के पिकनिक स्पॉट्स बन सकते हैं, टूरिज़्म को बूस्ट अप किया जा सकता है। लेकिन वो जगह वैसी की वैसी पड़ी है। ऐसी जगह हमारे पास हैं
जिनसे हम करोड़ों नहीं अरबों कमा सकते हैं, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इतना टूरिज्म बढ़ सकता है। लेकिन बदकिस्मती से अरबाब इख्तियार कहीं और किसी और ख्वाब में सोए हुए हैं। बहरहाल हम तो पहुंचने लगे अपने होटल, तो चलते हैं जाके खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं किसी और व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। और मुझे यहाँ रास्ते में इजिप्ट के एक इंतहाई ख़ूबसूरत दोस्त मिले हैं एंड ही इज़ इन सर्च ऑफ मक्का बस, तो मैं उनको वापस आ गया हूँ। हम खाना बाद में खाएंगे और इनको मक्का बस दिखा के आएंगे। गो दिस वे स्ट्रेट देन टेक राइट, यस टेक राइट, जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू यू विल सी मक्का बस, बस बस मक्का बस। ये रहा जी मेरा होटल, लेट्स गो टू द रूम एंड टेक सम डिनर। नमाज़